This program is brought to you by Bitcard. And shop like a pro. Make your life easy, bro. And a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. I am in the capital city right now और मेरे पास आज का दिन है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जगह इस्लामाबाद की एक्सप्लोर कर सकें, जिसमें वी डेफिनेटली गोना ट्राई कि हम लोग हिस्टोरिकल जगहों पे जाएं, उसके साथ साथ विल गो टू सम अम्यूजमेंट पार्क्स और डेफिनेटली चूँकि हम इस्लामाबाद आए हैं तो आई एम थिंकिंग आई एम गोना गो फॉर सम शॉपिंग एज वेल और कोशिश करेंगे कि कोई खाने की ऐसी जगहों पर जाएं जो कि यहाँ की फेमस है इस्लामाबाद की खास तौर पे। सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे, आज का ये पूरा प्लान है और सबसे पहले आई एम थिंकिंग कि फैसल मस्जिद चलते हैं बिकॉज दैट इज़ द वन जो कि यहाँ की पहचान है। सो वी कैन गो देयर फर्स्ट, बट उससे पहले आई एम गोना गो फॉर फ्यूलिंग। बहुत ज़्यादा कैश अपने साथ ही रखती हूँ क्योंकि इजी पैसा वीज़ा कार्ड ने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, सारी पेमेंट्स इजीली हो जाते हैं। यू हैव सीन इवन फ्यूलिंग जो है वो भी आसानी से इजी पैसा वीज़ा कार्ड के थ्रू हो जाती है और इसके अलावा बाकी जितने काम है वो भी आई कुड डू देम इजीली। सो अभी एज आई एम डन विद द फ्यूलिंग अभी चलेंगे हम फैसल मास्क और वहाँ चल के आई एम गोना शो यू वहाँ का व्यू और वहाँ के चल के आपको हिस्ट्री भी सुनाऊंगी। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद की एक ख़ास बात है कि इसकी जो सड़कें हैं वो बड़ी खूबसूरत, कुशादा, खुली और साफ सुथरी हैं। एक और ख़ास बात इस्लामाबाद की है कि ये जो सिटी है पूरे का पूरा इट्स वेरी नीट एंड क्लीन और सुबह सुबह जब इनफैक्ट मैं निकली थी तो आई हैव सीन के स्वीपर्स जो थे रोड साफ़ कर रहे थे, जो कि अमूमन मुझे एज सच ट्रैवल करते हुए कहीं पर किसी और शहर में इस तरह से देखने को नहीं मिला। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट इस्लामाबाद एज वेल, बाकी और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बट दिस वन इज़ देयर एज वेल। अच्छा, मुझे यहाँ से फैसल मस्जिद नज़र आना शुरू हो गई है, उसके मीनार मुझे इनफैक्ट नज़र आना शुरू हो गया, बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। और जो फैसल मस्जिद है बेसिकली वो पहाड़ों के बीच में घिरी हुई है। सो वी आर अबाउट टू रीच
आपको साइन बोर्ड भी नजर आ रहा होगा, बल्कि साइन बोर्ड भी नजर आ गए यहाँ पे. सो वी इन फैक्ट हैव रीच्ड. तो बस चलती हूँ, चल के बाइक पार्क करती हूँ और आपको अंदर से मस्जिद दिखाती हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने नाका लगाया हुआ है. मेरे पीछे आपको खूबसूरत सी फैसल मस्जिद नज़र आ रही होगी, जो कि इस्लामाबाद की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है. और फैसल मस्जिद बड़ी खूबसूरत जगह पे तामीर की गई है. आप पीछे आप देखें, आपको मार्गला हिल्स जो है उसका व्यू क्लियरली मिलता है. यहाँ से भी क्लियरली मिलता है, लेकिन अगर आप जाते हैं अंदर मस्जिद के और उसकी बैक साइड पर जाते हैं तो वहाँ से आपको बड़ा खूबसूरत सा व्यू मिलता है. और अगर वैसे फैसल मस्जिद के हवाले से बात करूँ तो साउथ एशिया की ये सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया की ये पाँचवें नंबर पर आती है मस्जिद बड़े होने के हवाले से. और थोड़ी सी अगर हिस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो इसकी तामीर 1976 में हुई थी और इसकी तामीर सऊदी अरेबिया के जो उस वक्त बादशाह थे शाह फैसल, उन्होंने कराई थी. तो इसकी बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपको मस्जिद के अंदर चल के बताती हूँ. अच्छा, अगर मस्जिद की आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के हवाले से बात की जाए, दैट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन और इसको एक टर्किश आर्किटेक्चर थे जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने तामीर किया था. और अगर आप इसका डोम देखें, दैट्स नॉट अ रेगुलर डोम जो कि ग्राउंड फॉर्म में होता है रेगुलर वाला, लेकिन दिस वन इज़ एक्चुअली 8 साइडेड कॉर्नर्स हैं इसके. और ये बेडुइन टेंट जिस तरह से होते हैं ना उसकी फॉर्म में है. और एक अगर स्पेसिफिक साइड को आप देखेंगे ना तो वो ट्राइंगुलर शेप में है और उसके नीचे एक हॉल बना और इसमें तकरीबन के लिए कि 10,000 जो नमाजी हैं उनकी नमाज अदा करने की जगह मौजूद है. अच्छा, जो टर्किश आर्किटेक्चर थे जिन्होंने फैसल मस्जिद को डिज़ाइन किया था, बेसिकली उनके सिलेक्शन एक कंपटीशन के बेस पे हुई थी. जब फैसल मस्जिद को डिज़ाइन करवाना था तो एक इंटरनेशनल कंपटीशन आर्किटेक्चर्स का रन किया गया था, जिसमें यू कुछ से गए तकरीबन 17 ममालिक से मुख्तलिफ जो आर्किटेक्चर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. 43 प्रपोजल्स दिए गए थे जिसमें से जो टर्किश आर्किटेक्चर थे उनका प्रपोजल सेलेक्ट किया गया और फिर उसकी बेस पे फैसल मस्जिद को डिज़ाइन किया गया. फैसल मस्जिद में 3,00,000 नमाजियों की नमाज पढ़ने की जगह है. और अगर जगह के हवाले से इन जनरल बात करें तो ये तकरीबन 33 एकड़ रकबे पे मौजूद है, जो तकरीबन 14,00,000 स्क्वायर फीट बनता है. और अगर इसके मीनार के हवाले से बात करें तो इसके 4 मीनार हैं और अगर एक मीनार की हाइट की बात की जाए वो है तकरीबन 300 फीट के करीब. फैसल मस्जिद की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ना सिर्फ आपको तुर्की तर्ज तामीर का खूबसूरत सा शाहकार मिलता है, बल्कि यहाँ पे यू कुड हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर देयर एज वेल. आप मस्जिद में नमाज अदा करके आराम से, इफ़ यू कम बैक टू द बैक साइड, तो आपको यहाँ पे मार्गला हिल्स का बड़ा खूबसूरत सा व्यू मिलता है. अच्छा, यहाँ तो चूँकि हम मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, अगर आप पिछली साइड पर जाते हो तो वहाँ पे पार्क्स भी बने हुए हैं और कुछ ऐसी जगह बनी जहाँ पे कुछ सिट एंड हैव योर गुड टाइम एज वेल. सो व्हेन एवर यू कम टू फैसल मॉस्क, वन थिंग फॉर यू गाइस एज वेल कि यहाँ पे आके आप मार्गला हिल्स का व्यू जो है वो भी लास्ट में एंजॉय कीजिएगा. अच्छा, 1986 से लेके 1993 तक
जो फैसल मस्जिद है ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कंसिडर की जाती थी, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब में इससे बड़ी मस्जिद तामीर की गई और उसके बाद फिर ये पांचवें नंबर पे आ गई। और यहाँ पे पहली नमाज जो अदा हुई थी वो दैट वाज एक्चुअली इन 18th June 1888। अच्छा, दिस वाज अबाउट फैसल मॉस्क जो कि मैंने आपको यहाँ की डिटेल्स बताई। अभी वी गोना गो टू द नेक्स्ट प्लेस और वहाँ चल के आई एम गोना शो यू व्हिच प्लेस वी आर एक्चुअली गोइंग। आपको दिखा दी, सो अभी वी गोना गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। वहाँ चलते हैं, वो चल के आपको दिखाते हैं और वहीं पे चल के आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगी, हिस्ट्री के हवाले से बताऊंगी। बेसिकली उसको बनाया गया था तहरीके आज़ादी के मौके पे, जिन शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए बेसिकली उस मॉन्यूमेंट को बनाया गया। सो लेट्स गो देयर और आई विल बी शोइंग यू दैट। उसके साथ बेसिकली एक म्यूजियम भी है, तो चूंकि वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम तो इतना टाइम नहीं आता, मैं आपको उस म्यूजियम में भी लेकर जाती। सो अभी फिलहाल वी जस्ट गोना गो टू द मॉन्यूमेंट देखेंगे और उसके बाद वी गोना गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे मौजूद हूँ जो कि शक्करपड़िया की पहाड़ी पे मौजूद है, दैट यू गाइस कुड सी बिहाइंड मी। और इसे खिलते हुए फूल के तर्ज पे तामीर किया गया है और इसके बेसिकली चार कह लें कि इसकी पंखुड़ियाँ बनाई गई हैं जो कि एक एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और बेसिकली इनका मकसद ये है टू रिप्रेजेंट कि जो आपस में सूबों की मोहब्बत है, प्यार है और अमन है, उसको दिखाने के लिए दैट हैज बीन मेड इन दिस स्ट्रक्चर। और अगर इसकी कंस्ट्रक्शन के टाइम की बात करूँ तो बेसिकली 2004 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी जो कि 2006 में ख़त्म हुई। और इसकी जब इनॉग्रेशन हुई दैट वॉज एक्चुअली 23rd March 2007 और तब से अब तक इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। और थोड़ा सा टिकट के हवाले से भी आपको बताते चलती हूँ इन केस यू गाइस वांट टू विजिट। बच्चों के लिए इसकी टिकट इज जस्ट लाइक 10 रुपीज़ और बड़ों के लिए इट्स लाइक 30 रुपीज़। और अगर बच्चे की एज है फ्रॉम 1 year to 7 year इट्स फ्री फॉर देम। सो अभी आगे चलते हैं और आगे चल के इसको करीब से देखते हैं। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट ग्रेफाइट और संगे मरमर के पत्थरों से तामीर किया गया है और इसे जदीद दौर का जो है एक शाहकार समझा जाता है। अच्छा, आप इसके पीछे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि आपको चार बड़ी पंखुड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और तीन छोटी पंखुड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। जो चार बड़ी पंखुड़ियाँ हैं वो चारों सूबों को शो करती हैं, सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान। और जो तीन छोटी पंखुड़ियाँ हैं उसमें से एक जो है वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करी है, एक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान GB को रिप्रेजेंट करी है और एक जो छोटी पंखुड़ी है वो कबायली इलाकों को रिप्रेजेंट करी है। और अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हैं यानी कि अगर आप मॉन्यूमेंट को ऊपर से देखते हैं तो आपको चांद और सितारे का स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि हमारे परचम में, हमारे झंडे में मौजूद है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
अच्छा, हर पंखुड़ी पे ना बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो अगर हम पहली पंखुड़ी की बात करें तो वहाँ पे आपको शाहजहां मॉस्क मिलती है, उसके अलावा आपको फैसल मॉस्क मिलती है, उसके अलावा रोहतास फोर्ट जो है उसका भी स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है। और अगर हम दूसरी पंखुड़ी की बात करें तो वहाँ पे कायद अजम मोहम्मद अली जना उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अलावा जो है बीबी फातिमा जना उनका स्ट्रक्चर है, फिर उसके अलावा कायद अजम का मज़ार है, फिर उसके अलावा जो है बादशाही मस्जिद मौजूद है, और उसके अलावा मीनार पाकिस्तान भी मौजूद है। और अगर हम तीसरी पंखुड़ी की बात करें तो वहाँ पे इलामा इकबाल का स्ट्रक्चर मिलता है, उसके अलावा जो है लाहौर फोर्ट का स्ट्रक्चर मिलता है, और मुल्तान के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और अगर हम बात करें चौथी पंखुड़ी की तो वहाँ पे उच शरीफ है, उसका मज़ार, उसका स्ट्रक्चर मिलता है, उसके अलावा ज्यारत मौजूद है, और उसके अलावा बाबा खैबर, इस तरह से कुछ और स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं। ये ओवरऑल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ना, बेसिकली पूरे पाकिस्तान को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस वॉज पाकिस्तान मोन्यूमेंट जो कि मैंने आपको दिखाया। अभी वी गोना गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि कोई रिक्रिएशनल स्पॉट होगा, वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद आई एम गोना टेक यू टू सम अदर प्लेस जहाँ पे विल डू सम कूल स्टफ। अभी नहीं बताऊँगी, बाद बताऊँगी। लेट्स गो। पाकिस्तान मोन्यूमेंट से अब आई एम गोइंग टूवर्ड्स दामने को, और दामने को जाते जाते मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल हियर, और मौसम के साथ साथ यू नो, क्योंकि इसका रास्ता बड़ा मज़े का है, इट्स सुपर इंटरेस्टिंग। रोड जो है इसकी है तो वैसे साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, बट काइंड ऑफ के थोड़ी थोड़ी जगहों पर स्टीप भी है। सो इस तरह के मौसम में और ऊपर से फिर सर्दियों में बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, वो भी अपना है। सो यार, आई एम एंजॉइंग द ट्रैक राइट नाउ। खैर, मेरे ख्याल से अब बस पहुँचने वाले हैं, पहुँचते हैं चल के दामने को, और फिर चल के आपको वो दिखाती हूँ। तो रीज़न ऑफ बीइंग कमिंग अप हियर वो ये है कि बेसिकली इट्स अ फेमस स्पॉट, काफ़ी मशहूर है ये वाली जगह ना, तो मैंने कहा चले आप पाकिस्तान मॉन्यूमेंट गए हैं तो हम दामने को भी लाजमी जाएंगे। दामने को, और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरे इस्लामाबाद का जो नज़ारा है वो क्लियरली आपको दिखता है, और यहाँ पे फैसल मॉस्क जो है वो भी क्लियरली नज़र आती है। लेकिन चूंकि अभी धुंध है, एज यू नो सर्दियाँ चल रही हैं, तो अभी उतना क्लियर वेदर नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स लाइक अ ट्रीट टू आइज कमिंग अप इन हियर। और वैसे अगर यहाँ पे आने की बात करें, कुछ एक्टिविटीज़ की बात करें, तो इट्स लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इन हियर। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूजिशियंस बहुत जगहों पे बैठे हुए हैं, तो यू कुड लिसन टू देम। फिर इट्स अ पिकनिक पॉइंट, यू कुड कम अप विद द फैमिली, और आप अपनी पिकनिक का जो पूरा एक सामान है वो साथ लेकर आ सकते हैं, एंड यू कुड एंजॉय ओवर हियर एज वेल। सो अभी आई एम गोना बी हियर, थोड़ी देर के बाद फिर आई विल गो बैक। फिलहाल यहाँ मैं व्यू एंजॉय करूँगी, एंड देन आई विल गो हैव समथिंग, एंड देन वी विल गो बैक। सेंटोरस मॉल राइट नाउ, और मैं इस्लामाबाद आऊं और सेंटोरस ना आऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और सेंटोरस आऊं और शॉपिंग ना करूं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दामने को मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा था, और अब अभी देखिए कि शाम भी होना शुरू हो गया है, और ऊपर से मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, हवा इतनी तेज़ चलना शुरू हो गई है ना। सो दिस इज़ वाई आई एम जस्ट लीविंग दिस प्लेस, और अभी मैं जा रही हूँ सीधा सेंटोरस, और उसकी वजह यह है बिकॉज आई हैव टू गेट समथिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। और चूँकि सर्दियों में यू नो के दिन छोटे होते हैं, तो इतना टाइम भी नहीं होता कि हम बहुत सारी जगहों पर जा सकें। सो दिस इज़ वाई आई एम जस्ट लीविंग दिस प्लेस अर्लियर एंड डायरेक्टली गोइंग
टू सेंटोरस जहाँ पे वी विल हैव समथिंग, तो वो तो जाके भी डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है, बट लेट जस्ट गो टू सेंटोरस डायरेक्टली. इन द सेंटोरस मॉल राइट नाउ और मैं इस्लामाबाद आऊँ और सेंटोरस ना आऊँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और सेंटोरस आऊँ और शॉपिंग ना करूँ तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो समवेयर एंड शॉप समथिंग. सो लेट्स गो, सबसे पहले शॉपिंग. पेमेंट इज जस्ट वन टैप अवे नाउ और ये इतना ईजी और इतना हैसल फ्री हो गया मेरे लिए. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस फॉर मी नाउ. अभी देखिए मुझे छोटा सा बस एक वॉलेट कैरी करना पड़ता है. मजे की बात ये कि मुझे अब पैसे जो हैं वो काउंट नहीं करने पड़ते, उस झंझट से भी आज़ादी मिल गई है. एंड एक्चुअली एम शॉपिंग थ्रू दिस वीज़ा कार्ड. मैं आपको राज की बात बताती हूँ, मुझे मिला है इस वीज़ा कार्ड के थ्रू डिस्काउंट. I have discount 15% एक जगह पे, एंड देन आई गॉट अ डिस्काउंट ऑफ लाइक 30% एज वेल. और मजे की बात ये है इस वीज़ा कार्ड की, इजी पैसा वीज़ा कार्ड की, दैट इट इज़ लाइक इट कुड वर्क एवरीवेयर. किसी भी शॉप पे काम कर जाता है, नॉट ओनली शॉप, इन फैक्ट फूड, किसी भी जगह पे पाकिस्तान के किसी भी कोने में. स्पेसिफिकली फॉर द ट्रैवलिंग इज, यू नो गाइस दैट आई हैव टू ट्रैवल पूरे पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के मेजर सिटीज जो है वहाँ पे काम करते हैं. इनफैक्ट किसी भी सिटी में ईजिली ये काम करता है. सो या एज इट वर्क एवरीवेयर, इनफैक्ट स्पा सलॉन उस पर भी आई हैव डिस्काउंट, लेकिन वहाँ नहीं जा सकती. बट स्पेसिफिकली आई हैव डिस्काउंट फॉर द गेमिंग एज वेल, सो वी कुड डू वन थिंग एज वेर इन सेंटोरस, तो हम गेमिंग कर सकते हैं. सो अभी वहाँ चलते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बाद में बताती हूँ, सोच के बताऊँगी, लेकिन फिलहाल गेमिंग की तरफ चलते हैं. फन सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पे आके आई हैव सीन इतनी सारी गेम्स हैं. मजे की बात ये कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए गेम्स भी हैं. सो मैं अब मजीद टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ गेम्स देखते ही. तो सबसे पहले आई एम गोना राइड, आई एम सीइंग समथिंग, तो मैं सबसे पहले वहां जाऊंगी और फिर उसके बाद आई एम गोना शो यू द रेस्ट ऑफ द गेम्स एज वेल. फिलहाल लेट्स गो एंड हैव अ राइड. Another game जो कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, दैट इज हैंगमैन. और उसमें क्या होता है कि उसमें आपने लटकना होता है और उसका आपको बेनिफिट क्या होता है, अगर आप 60 सेकंड्स लटकते हैं तो यू कुड सी यहाँ पे ट्विटी है, आपको वो मिलेंगे. एंड वी हैव अदर टॉयज एज वेल, वी हैव द निंजा एज वेल. और अगर आप उससे ज्यादा भी टाइम लटकते हैं, लाइक 90 सेकंड्स या कुछ, तो फिर आपको कुछ कैश प्राइज भी मिलता है. सो आई एम गोना ट्राई इट आउट, ट्राई करती हूँ इफ दैट पॉसिबल और नॉट, और देखते हैं कि मेरे से कितना टाइम जो है यहाँ पे रहा जाता है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके, आई कुड नॉट डू इट. कितने सेकंड हुए?
Okay, that's fine. 4 seconds were, but you guys could do better than me. Actually, it was very slippery. Haath jo hai na wo shoot rahe the, but it was a really fun game. Fun game bhi aur saath mein exercise bhi hai, so you guys could do it as well. Whenever you come to Centaurus, I'll definitely say ki aapne ye jo hangman game hai na, ye definitely try karni hai, but it's super cool game. Mere se to iska koi wo nahi bana hai record ya kuch, but you guys definitely gonna try it out. So abhi chalte hain next game pe. Let's see what it is. Okay, so we are playing another game जिसका नाम है Roll a Ball, और ये game मैं अकेले नहीं खेल रही. In fact, मेरे साथ मेरी पूरी टीम खेल रही है. And we're gonna have a fun. इस game में होता क्या है कि बॉल आएगा, वो आपको quickly वापस throw करना होगा, और जिसका quickly जाएगा आगे ट्रेन उसकी जल्दी मूव करेगी. And that's how you win the prize. So I'm very excited for that game as well. Are you guys excited as well? They are as well. So let's just play this game, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि कौन जीता है. Let's go. Congratulations, really good. She won the game. She's an expert. आप पहले भी खेलती होंगी. हाँ जी, वो आती रहती है, वो खेलती रहती है इसी साइड. But this is a really fun game with the team. I enjoyed it. She got a toy and I enjoyed it a lot. और उसके बाद let's see if we have something other to do as well. Amazing place to visit. इतना मजा आया मुझे यहाँ पे. हालांकि ऐसा समझा जाता है कि जगह स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, बट एक्चुअली इट्स नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, बड़ों के लिए भी है. यू हैव सीन मैंने इतनी सारी गेम्स खेली हैं. इनफैक्ट बहुत सारी मिस भी होगी बिकॉज टाइम बहुत थोड़ा है. सो यू सीन मैंने वो खेली हैंगिंग मैन वाली गेम खेली, एंड देयर आर लॉट अदर एज वेल. सो जब भी आप सेंटोरस आएँ तो आपने फन सिटी को लाजमी विजिट करना है. एक और मजे की बात आपको मैं बताती हूँ. बेसिकली दे हैव वन एन अवार्ड एज वेल, विच इज मीनल एक्ट अवार्ड, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है, और ये इन्होंने इसी बेस पे जीता है बिकॉज इनकी यहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स और जितने भी गेम्स हैं, दे आर वेरी कूल एंड वेरी यूनिक. और इनकी एक और खास बात ये है, दैट्स द प्लेस आई एम सिटिंग राइट नाउ, इट्स स्पेसिफिकली फॉर द किड्स. लेकिन आई थॉट कि अच्छा मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे झूला ले लेती हूँ और अपनी जो बचपन की याद है उसको ताज़ा कर लेती हूँ. देर इज इन अदर प्लेस एज वेल विच इज द सॉफ्ट प्ले एरिया फॉर द किड्स, और उसकी खास बात ये, इनफैक्ट ओवरऑल अगर हम फन सिटी की बात करें उसकी खास बात ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है. इवन जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को फन सिटी में छोड़ के खुद शॉपिंग के लिए चले जाते हैं. सो इट्स वेरी इजी थिंग एज वेल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए भी, ख्याल करने के लिए भी. सो आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन हियर. लेकिन अब टाइम बहुत कम है, बहुत गेम्स खेल रही. आई गेस वी कैन गो टू द नेक्स्ट प्लेस, और वो मैं आपको चल के बताती हूँ. बस थोड़ा सा ये रह गया झूला, वो लेंगे एंड फिर वी विल गो. किस तरह से आप लोग पूरा हैंडल कर रहे होते हैं, लाइक किस तरह से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, वैसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चल रहा है, और डिलीवरीज वगैरह, उस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो. इसका हमारा ये था कि हमने तकरीबन 3 महीने तो फूड एक्सपेरिमेंट किया, जिसका आप ये कह सकते हैं हमने, क्योंकि अगस्त में पापा ने रिटायर होना था, जुलाई से हमने स्टार्ट किया. 3 महीने और हम सिर्फ फूड पे अपने मेन्यू पे काम कर रहे थे. सेंटोरस मॉल से निकलते निकलते मुझे अंधेरा हो गया, बल्कि रात हो गई है इनफैक्ट. बट वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत मज़े का था, और अभी जो बाहर आके ठंड का एक्सपीरियंस हुआ ना वो भी बहुत मज़े का है. ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैंने पैक चेक कर लिया, आई हैव थर्मल्स विद मी, ग्लव्स व्लव्स मैंने पहन लिए हैं. लेकिन अब मुझे लग रही है बहुत सख्त भूख. उसकी वजह यह कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और खाना मैंने इसलिए खाया था क्योंकि आज मैंने एक बड़ी स्पेशल जगह पर जाना था खाना खाने के लिए. दैट्स अ कैफ़े बेसिकली. लेकिन उसकी खास बात है, उसकी खास बात ये है कि उस कैफ़े को दो लड़कियाँ चला रही हैं, विच इज़ लाइक यंग गर्ल, सिर्फ अभी वो मेरे ख्याल से रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हैं, एंड दे आर रनिंग अ कैफ़े. और वो दोनों बहनें हैं, दे आर ट्विन सिस्टर्स. और मज़े की बात यह है कि दे बोथ आर बाइकर्स एज वेल. सो आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू मीट देम, और अभी आई एम फीलिंग अगेन एक्साइटेड टू मीट देम. सो लेट्स जस्ट गो और उनसे मिलते हैं और चल के बात भी करते हैं.
मेरे साथ इस वक्त वो दो लड़कियाँ मौजूद हैं जो कि इस कैफे को रन करी हैं, मेविश और जरिश। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके कि आई कुड नॉट एक्सप्लेन। उसकी रीज़न यही है कि जो आप काम करिए ना, दैट्स नॉट अ यूजुअल थिंग। हर लड़की इतनी हिम्मत नहीं कर पाती करने की, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट एक्चुअली। और ये एक्चुअली इनका कैफ़े है, बड़ा कूल सा और बड़ा क्यूट सा है। इसका नाम भी बड़ा मज़े का है, टू व्हील्स कैफे। वो कैफे इसलिए इसका नाम बिकॉज यू बोथ राइड बाइक है इस बिल ना, कनेक्शन इसलिए भी बन गया एक्चुअली कि दोनों बाइक भी चलाती हैं, दोनों माशाल्लाह आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ गर्ल। तो मुझे सबसे पहले तो थोड़ा सा बताएंगे हाउ यू गाइस स्टार्टेड, किस तरह से आइडिया आया कि हमने कैफे बनाना है एंड वी हैव टू रन इट। बिजनेस आइडिया था एक्चुअली जारिश का, ये बचपन से पापा को कहा करती थी कि पापा मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगी, जब मैंने काम करने ही है तो मैं अपने लिए करूंगी। अच्छा। तो टाइम जो मैंने किसी के इन्वेस्ट करना है वो मेरी जगह पे इतना पैसा कमाए तो मैं खुद करूंगी। तो लेकिन क्योंकि बचपन में इतना सीरियस हम इसको लेते नहीं थे कभी तो फिर हम ग्रेजुएट हुए और फिर उसके बाद हमने कुछ अर्सा जॉब की, पैसे जमा किए, फैमिली को फिर कन्विंस किया। तो 6 से 8 महीने तो सिर्फ फैमिली को कन्विंस करने में हमें लगे, वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो लेकिन फाइनली फिर वो, लेकिन ये था कि उनकी तरफ से वो डेड एंड नहीं था, ये था कि वो बस ये कहते थे कि कन्विंस करें आप मुझे, आप कन्विंस करें मैं मान जाऊंगा। अच्छा। तो बस पापा फिर हाँ दलील दे, मुझे दलील दे, मुझे पता चले कि क्यों आप जॉब की तरफ नहीं जा रहे, आप क्यों बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, और बिजनेस की तरफ भी जा रहे हैं तो फूड ही बिजनेस की तरफ, फूड बिजनेस ही क्यों। हाँ, अच्छा अच्छा सही हो गया। तो आपको ग्रेजुएशन किए हुए कितना अर्सा हो गया? 2019 में मैंने की थी, 20 में दर्शन। अच्छा 2020, 2021, 2020 में दो साल हो गए एक्चुअली। वो बीच में कोरोना का वाला पीरियड एक थोड़ा आ गया था, उसमें तो हम घर ही रहे। आफ्टर ग्रेजुएशन थोड़े अरसे के बाद यू गाइस स्टार्टेड। माशाल्लाह, सी यंग गर्ल्स कुड डू एनीथिंग। यस। अच्छा कोई इस तरह का हुआ कि हर्डल्स वगैरह? डेफिनेटली व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दैट। कोई हर्डल्स वगैरह इस तरह से आई हो कि बहुत से लोगों ने कहा अच्छा लड़कियां हैं कहाँ होना है इनसे, लड़कियों से तो नहीं हो पाता है कुछ इस तरह की? बिल्कुल ऐसे था। आप एक्चुअली यू कैन टेल के कौन जो है वो आपको रियली मोटिवेट कर रहा है और कौन है जो बस सिर्फ कह ही रहा है। तो हमें डिफरेंस पता चलता था। कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब बताते थे, कहते थे कि हाँ जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल में उनका पता होता था कि इनसे नहीं होना, इनसे नहीं होना। और दूसरा सबसे बड़ी हर्डल एक्चुअली हमारी फैमिली प्रेशर था, सोशल प्रेशर। फैमिली प्रेशर मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे इतना कन्फर्म था, मुझे पता था ये बहुत जल्दी हार, बस पापा नहीं माने, पापा नहीं माने, बस खत्म करते हैं, बस सब खत्म। लेकिन हम इवन ये आधा पेंट हो चुका हुआ था और फिर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और फिर जर्श ने कहा नहीं था, अब नहीं हो सकता। फिर हमने पापा को मनाया, लेकिन ज़्यादा सोशल प्रेशर था, प्रॉब्लम गर्ल्स की थी, बाइक राइड करने की थी, फिर बिजनेस की थी कि कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ऑब्वियसली 1000 लोगों से मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा हमारी। फिर फाइनेंशियल भी थी, फैमिली सोशल फाइनेंशियल तीनों जो है ना। हाँ, लेकिन आप इसके लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका हमने ये निकाला था कि हमने अपने पेरेंट्स के अलावा किसी को नहीं बताया। Exactly. फिर भी हमारे पेरेंट्स ने ना अपने क्लोज लोगों को बताना शुरू किया। अच्छा। किस तरह वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर लोगों ने हमें भी ये पता है कि जब हमने परमिशन लेने के लिए पापा को बोला, हम गए थे क्रिसमस पे घर और हमने पापा को जाके बोला पापा हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा क्या फूड बिजनेस है? ठीक है करो। ये उनका रिस्पॉन्स था, मुझे पता था कि वो हमारे अब्बा हमें पता मान जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ हफ्ता डेढ़ के बाद, एक महीना गुजर जाने के बाद, जब हम बाकी इस चीज़ में आ गए, फिर हमने जगह देखनी शुरू की, जब हमने बाकी थीम और ये सब करना शुरू हुए, तो पापा थोड़ा पीछे हटना शुरू हुए। लेकिन मुझे ये पता है कि वो पापा क्यों हट रहे थे, क्योंकि लोग उनको प्रेशर कर रहे थे। हाउ इज इट गोइंग अभी, और किस तरह से आप लोग पूरा हैंडल कर रहे होते हैं, लाइक किस तरह से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चल रहा है, और डिलीवरीज वगैरह, उस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। इसका हमारा ये था कि हमने तकरीबन 3 महीने तो फूड एक्सपेरिमेंट किया, जिसको आप ये कह सकते हैं हमने, क्योंकि अगस्त में पापा ने रिटायर होना था, जुलाई से हमने स्टार्ट किया 3 महीने, और हम सिर्फ फूड पे अपने मेन्यू पे काम कर रहे थे। उसके बाद साथ हमने फूड पांडा स्टार्ट कर दिया। फूड पांडा पे हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, और डिलीवरीज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ठंड की वजह से थोड़ा सा लोग घरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं इस तरह। दूसरा ये रास्ता रात के टाइम, और भाई हैं दोनों, वो ऑर्डर डिलीवर कर लेते हैं। फिर मैं और जरूरत होती है तो हम खुद बाइक पे पता है ना, ऑब्वियसली एक बंदा कस्टमर है वो ऑर्डर करते हैं, अगर कॉल करते हैं किसी को ये पता चलता है अच्छा ये लड़कियां रन कर रही हैं, हाँ। तो फिर दोबारा कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, एक लंबा सा नोट आता है कि हमें बड़ी खुशी हो रही है, हाँ। बहुत कामयाबियां दे, दिल से दुआएं निकल रही हैं। फिर उन जगह पे हम खुद भी ऑर्डर डिलीवर भाई के साथ कभी बैठ के चले गए, कभी खुद से बाइक में। दिस इज समथिंग
न्यू फॉर मी और इतनी सुन के मुझे इस चीज़ की भी खुशी हो रही है कि सी देर नॉट ओनली रनिंग अ कैफे एंड देर नॉट ओनली राइडिंग द बाइक, इन फैक्ट अपने उस स्किल को भी यूटिलाइज करके यू डूइंग द वर्क एज वेल. एक्चुअली ये टू व्हील्स कैफे भी यही था कि हमने ये सारा कैफे टू व्हील्स पे ही रन किया है. हमने जो चीज़ें हम इसी बाइक पे पेंट के डब्बे उठा के लेके आते थे, इसी बाइक पे आगे मैं बैठी हुई थी, बीच में सीमेंट की बोरी रख के हम लेके आ रहे, तो ये सारा हमने टू व्हील्स पे ही. अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं टू व्हील्स आपकी बात सुन के ना आई गॉट द गूज बम्स के किस तरह से यू गाइस हैव वर्क्ड फॉर दिस ना, मतलब ये तो इट्स लाइक अ बेबी फॉर यू ना, आप लोगों ने इस तरह से किया, तो ये सारा खुद आपने सजाया, डिजाइन किया, एवरीथिंग, यू पेंट हमने खुद किया है, पेंट भी खुद किया है, पेंट भी खुद किया है, जो ये सारी स्ट्रिप्स वगैरह बनाई थी खुद हमने, हां बेस पेंट करके उसके बाद फिर हरफन मोला सारे काम खुद ही. हमारे एक मामू है एक्चुअली, उन्होंने एक ये होता है ना कि आपको एनकरेज करने वाले लोग होते हैं, तो वो मैं कहती थी मामू ऐसे करना है, हो जाएगा, तो जब हम एक दूसरे को हो जाएगा, एक दूसरे को तसल्ली देते रहते थे फिर करते कराते हो ऐसे. अच्छा वो नहीं to say to the girls jo ke कोई ना कोई इस तरह का काम करना चाहती है, जस्ट रियली डोंट वांट टू से कि सिर्फ बिजनेस ही करना चाहती हैं, कुछ इस तरह का काम विच इज अनयूजुअल, सोशल प्रेशर भी फेस करना पड़ा होता है, फिर बहुत सारे खौफ डर होते हैं, फिर अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी नहीं आप बना पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो व्हाट यू वांट टू से टू दोस गर्ल्स जो करना भी चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही. एक्चुअली कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता और कुछ भी मतलब न्यू नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए. वो फर्स्ट टाइम कर रहा होगा, मुझे पता है कि हमारे लिए कितना मुश्किल था, तो जो लोग वी नो मैं अभिषेक लाग गजल यू जैनित, तो उन लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी, तो वो जब शुरू उन्होंने किया था तब बहुत मुश्किल था, अब हमारे लिए आसान हो गया, तो नेक्स्ट लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा. जो आपको अनयूजुअल लग रहा है आप उसको यूजुअल बना लें, करके देख लें, कुछ भी नहीं होता, इतना इजी कर दिए, स्मूथ कर दिया मक्खन की तरह, रियली नाइस. एंड व्हाट यू वांट टू से टू द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स मेरे मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, और वो लोग अपनी फैमिली में भी लोगों को इनकरेज करते हैं, बताते भी हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. That's really nice. So parents को actually इस तरह के होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं तो बजाय कि आप सोशल प्रेशर को खुद पे लें और खुद भी डरें और बच्चों को भी थोड़ा सा उड़ने से रोकें, आपको उनको थोड़ा सा उसके हवाले से सपोर्ट करना चाहिए. तो एक दफा देख ले उनको, कुछ करके देख ले, हाँ हमें हमारे पापा ने कहा था करके देख लो, ठीक है, अब हम लोगों ने हमें करते भी देखा, खुद देख रहे हैं तो हमारे साथ है भी, मतलब और इवन अगर हम इसमें गिर भी जाते हैं तो भी हमारे साथ हो, तो भी हमारे साथ अगर पेरेंट्स हैं, हाँ पेरेंट्स हैं, दिस इज वाई. सो अभी मेरे ख्याल से हमने भी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, और चूंकि मैं सुबह की जो हूँ भूखी हूँ, आई हैवंट ईटन एनीथिंग, यहाँ से डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई, लेकिन एक चीज मैं पहले बता रही हूँ, आई एम गोना पे फॉर दैट. और फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगी भी कि हाउ इज इट. अच्छा इनका जो मेन्यू कार्ड है ना, दैट्स वेरी कूल, यू कुड सी टू व्हील्स कैफे और बाइकर गर्ल भी हैं, और इसकी जो मेन्यू आइटम्स हैं उनके नाम बड़े मज़े के, मैं बढ़ के सुनाती हूँ. वन इज़ हायाबुसा विच इज़ द किंग ऑफ बर्गर, फिर उसके बाद है टू व्हील्स जिंग, फिर वी हैव द फैट बॉब एज वेल, एंड वी हैव टू स्ट्रोक एलपिनो. वाह वाह वाह, बड़े कूल नाम ऐसे रखे हैं इन्होंने, सारे के सारे एक्चुअली बाइक से रिलेवेंट है. एंड देन वी हैव द टू स्ट्रोक एज वेल. सो ऑर्डर वैसे मैंने कर दिया, बर्गर्स में से नहीं किया, कुछ और ऑर्डर किया, तो वो भी ऑर्डर आता है और फिर उसको ट्राई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि खाना कैसा है. पास्ता मेरा आ गया और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो भी टेस्ट करते हैं, होपफुली टेस्ट इसका अच्छा होगा, टेस्ट करके देखते हैं कि हाउ इज इट. मज़े का है महवेश, इट्स रियली गुड, बहुत मज़े का ये, ख़त्म करते हैं अभी से. I have done my payment and see it was so easy. सिर्फ यहाँ पे जो QR code given है उसको scan किया और मैंने आसानी से अपनी easy paisa के through अपनी जो payment है वो कर दी है. See easy paisa की जो application है, पहले it was just a money transfer application कि आप सिर्फ पैसे transfer कर सकते थे, लेकिन now it's like आप अपनी payments भी आसानी से कर सकते हैं, ना सिर्फ application के through, बल्कि in fact आपके पास visa card का तो option है ही,
उसके थ्रू भी आप बासानी अपनी जितने भी पेमेंट्स हैं जहाँ पर भी करना चाहें पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ईजिली कर सकते हैं। तो आप ईजी पैसा वीज़ा कार्ड ने मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान बना दी है, जस्ट लाइक ईजी ग्रो। बहुत मजा आया, लेकिन अब चूंकि बहुत लेट हो गए, आई गेस आई शुड गो होम। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी अगली खूबसूरत सी जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, एंड यू नो इट, कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज। This program was brought to you by and shop like a pro, make your life easy, bro.